दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव महापर्व का ऐलान हो गया, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दी गई। दरअसल हम आपको बताते चले कि बिहार में कुल 11 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक जिलों में 10 चरण में मतदान होगा। यह खबर नालंदा के लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि नालंदा के 200 प्रखंड के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कब और किस तारीख को किस चरण में नालंदा के अलग अलग प्रखंडों में चुनाव होगा। दरअसल हम आपको बताते चले कि प्रथम चरण में नालंदा में चुनाव नहीं है और द्वितीय चरण 29 सितंबर को नालंदा जिले के थरथरी एवं गिरियक प्रखंड में चुनाव संपन्न होगा। तो हम आपको बताते चले कि द्वितीय चरण यानी 29 सितंबर को थरथरी और गिरियक में पंचायत चुनाव संपन्न होगा। इसके अलावा तीसरा चरण जो 8 अक्टूबर को होगा, इसमें सिलाव और नगरनौसा दो प्रखंडों में पंचायत चुनाव होगा। अगली तारीख 20 अक्टूबर जो चौथे चरण का चुनाव है, इसके तहत इस्लामपुर और राजगीर प्रखंड के पंचायतों में पंचायत चुनाव संपन्न होगा। यानी 20 अक्टूबर को इस्लामपुर और राजगीर में होगा, जबकि पांचवा चरण जो 24 अक्टूबर को होगा, उसके तहत वेन और एकंगरसराय प्रखंड के पंचायतों में पंचायत चुनाव संपन्न होगा। छठा चरण जो 3 नवंबर को चुनाव होगा, उसके तहत बिहार शरीफ एवं परवलपुर प्रखंड में चुनाव होगी। यानी छठे चरण जो 3 नवंबर को चुनाव होगा, उसमें बिहार शरीफ प्रखंड और परवलपुर प्रखंड के पंचायत में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। जबकि सातवां चरण जो 15 नवंबर को होने वाला है, इसके तहत नूरसराय और चंडी प्रखंड में पंचायत चुनाव संपन्न होगा। यानी 15 नवंबर को चंडी और नूरसराय में होगा, जबकि आठवां चरण जो 24 नवंबर को संपन्न होगा, इसके तहत सरमेरा और हरनौद प्रखंड में पंचायत चुनाव होगा। जबकि नौवां चरण जो 29 नवंबर को होगा, इसके तहत बिंद और हिलसा में 29 नवंबर यानी नौवां चरण में चुनाव होगा। जबकि दसवां चरण जो 8 दिसंबर को होगा, इसके तहत रहुई एवं कतरीसराय प्रखंड में 8 दिसंबर यानी दसवां चरण में पंचायत चुनाव संपन्न होगा। जबकि अंतिम चरण का चुनाव जो 12 दिसंबर यानी 11वां चरण का जो चुनाव होगा, उसके तहत अस्थामा एवं कराय परसुराय प्रखंड में चुनाव होगा। दरअसल हम आपको बताते चले कि पहले चरण का जो मतदान है वो 24 सितंबर को होगा, जिसके तहत नालंदा में चुनाव नहीं होगी। यानी पहले चरण में नालंदा में चुनाव नहीं है और द्वितीय चरण से लगातार 11वां चरण तक नालंदा के 200 प्रखंड में चुनाव संपन्न होगा और प्रत्येक चरण में दो दो प्रखंड में चुनाव कराया जाएगा। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।